चलो आ जाते हैं एक और नए ब्लॉग में और देखते हैं घर में क्या चल रहा है, घर की हालत कैसी है। पहले तो शुरू करते हैं यहाँ से। अमृता मैडम क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, कपड़े धो रही हैं। रात हो रहा है और इतने ठंड में कपड़े धो रही हैं, स्वेटर वगैरह डाली हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और ये देखो, वही कहना भी वही है कि ठंडी बहुत ज़्यादा है। और बस यही कि इतनी ठंडी में कपड़े, मुंबई में भी यही काम, गांव में भी यही काम, काम सारे कॉमन बटे हुए, बट सिर्फ लोकेशन चेंज होती है। काम सब वही करने हैं। पापा मम्मी बोली थोड़े कपड़े रखे थे, करके निपटा लेते हैं और थोड़े सूख जाएंगे ना, क्योंकि ठंड में जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं। और यहाँ पर देखो क्या हुआ था कि रोटी आज प्लानिंग था कि बाहर हम आग में लकड़ी पे सेक के खाएंगे, लेकिन मम्मी कुछ ऐसा हुआ कि पापा को चिल्ला रही हैं। देखो जाओ बोलते जाओ जल्दी लेके आओ, और पापा मम्मी ने एक बार बोला तो पापा दौड़ के जाएंगे काम करने के लिए। यहाँ वहाँ चारों तरफ उंगली दिख गई है। अब पापा ये उंगली में वहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे, हुआ नहीं शायद, काम बहुत ज़्यादा पड़ गया है। खुद के ही कपड़े हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है जो है। अच्छे से वॉश करो। हो गया तुम्हारा? फाइनली हो गया है। एक्चुअली काफी टाइम से वॉच कर रहे थे बट मैंने शूट जो है वो लेट स्टार्ट किया। देखो स्टार्टिंग में मैंने जब व्लॉग शुरू किया था तो ऑलरेडी मैडम कपड़े धो रहे थे, तो इसका मतलब मैं लेट हो गया। अरे पापा थोड़ा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, क्या बचा क्या है। चलो और बस घर का काम हुआ था, घर नया नया बना था, यहाँ वहाँ सब रखा हुआ था। सारे कपड़े धो के हो गए हैं, चलो अभी निकलो। बस ये देखना है कि फैलाना कहाँ है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, ओस पड़ रही है तो कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं, ऐसा भी है। सुबह क्या पहनेंगे, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है, बस धो के डाल देंगे। और मम्मी क्या बना रही हो? देखो अभी स्टार्ट का मार, मम्मी शायद रात का इंतजाम कर रही है खाने का। नहीं तो खाए नहीं। शाम को मुझे बताया गया था कि पनीर पूरी बन रहा है, पनीर की सब्जी बन रही है, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। भाभी है, मम्मी है और अमृता भी आ गई है। एक बार कढ़ाई में देख लेते हैं ना, क्लोज शॉट ले लेते हैं क्या बन रहा है। चलो थोड़ा आगे आगे, कैमरा आगे करो, कैमरा आगे करो। अरे वो बहन मोटी मलाई। मम्मी पापा छोटू यहाँ परमानेंट रहते हैं, हम लोग छुट्टी मनाने के लिए आए हैं। मम्मी ने बताया शाम को समोसा आया था तो वो भी कोई खाया नहीं। और ये देखो ये पनीर की सब्जी है कि पोहा बन रहा है, कुछ आइडिया नहीं है, बनने के बाद ही पता चलेगा। एक बार बन जाए तो मालूम पड़े कि क्या बन रहा है। चलो ऑलमोस्ट 75% कैमरा कवर कर चुके, अब तुम साइड हटो, मम्मी को आने दो फ्रेम में। रिकॉर्ड कर लिया ना, प्यार